पाम गढ़ के प्रत्याशी भूरेलाल बर्मन ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने कोगी जनता कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अमित जी आप देख रहे होंगे, अमित जोगी जी हमारे साथ में हैं और भूरेलाल बर्मन जी भी हमारे साथ में हैं। इन्हीं के सानिध्य में कई सारे लोग कार्यकर्ता जो थे वो कांग्रेस के राजीव भवन पहुंचे थे कि इन्हें कांग्रेस से टिकट दी जाए। 2018 में इन्हें टिकट दी गई थी लेकिन ये 3000 वोटों से पीछे रह गए थे और इस बार इनकी टिकट को काट दिया गया है, लेकिन अमित जी ने इनका हाथ थाम लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन कैसे आपने कांग्रेस का हाथ दामन छोड़ दिया है और आप एक कलाकार भी हैं और कलाकार की भूमिका में भी आपको कई बार देखा गया है, आप जनता जोगी कांग्रेस के साथ आज खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल के जमो दर्शक मल्ला भूरेलाल बर्मन की तरफ से जय जोहार। आज मैं कांग्रेस छोड़ के जनता कांग्रेस में शामिल लेकर भर हुए हूँ कि ये पार्टी है हमर छत्तीसगढ़ की पार्टी। आदरणीय अजीत जोगी जी के बनाए हुए मंच से अजीत जोगी जी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम मोर जैसे व्यक्ति जेमन नेशनल पार्टी में संघर्ष करी, कांग्रेस में मैं 20 साल अपन समय दे हूँ, लेकिन आज पब्लिक जन भावना मोर साथ होते हुए भी, सर्वे में सबसे बड़े नाम होते हुए भी आज मोला टिकट से वंचित किएगी। मैं अपन पद प्रतिष्ठा पर ये चुनाव नहीं लड़ा, आज ये चुनाव मोर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के हक मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ाई है। हमन बार बार कहें हाईकमान ल कि जनता स्थानीय प्रत्याशी चाहते, स्थानीय प्रत्याशी चाहते, लेकिन लोगों के बात ल ध्यान नहीं दिस। आज मोर कार्यकर्ता मोर आम जनता मन के बहुत दबाव है कि भूरेलाल बर्मन आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो मैं कल AICC के गेट के सामने खड़े खड़े मैं स्मरण करें, आप पार्टी भी मोला ऑफर करिस, लेकिन मैं आप पार्टी में नहीं गए। आप पार्टी भी आपके कांटेक्ट में जी, आप पार्टी भी में मुझे ऑफर किए, लेकिन मैं आप पार्टी में नहीं गया क्योंकि वो भी दिल्ली से संचालित होता है। मैं जोगी जनता कांग्रेस में इसलिए आया हूँ कि ये पार्टी छत्तीसगढ़ की पार्टी है और हम लोग छत्तीसगढ़ की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और अपने फैसले यही लेंगे। इसलिए मैं जोगी जनता कांग्रेस की पार्टी में शामिल हुआ हूं और हम आप जनता के दरबार में जाएंगे। कैसे लड़ेंगे चुनाव, कितने वोटों से जीत पाएंगे, ये तमाम सवाल जो हैं ये हमारे मन में भी चल रहे हैं, साथ जनता के मन में भी चल रहे होंगे और कार्यकर्ताओं के मन में भी चल रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ में थे जो आपके लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। अब क्या है आगे, भूरेलाल बर्मन जी कैसे काम करेंगे पामगढ़ में? एक जमाना था, कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि कांग्रेस की गाड़ी पामगढ़ विधानसभा के गांव में घुसने की ताकत नहीं रखती थी। उस जगह में भूरेलाल बर्मन ने चुनाव लड़ा 2008 में और मैंने कांग्रेस की झंडा को बुलंद किया। वो जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो है ही है, नए बीज और नए पौधे मैंने तैयार किए। 110 गांव में और 214 पोलिंग बूथ का एक एक चीज मुझे मालूम है, कहां किस समाज का किस परिवार का कितना वोट है। मैं ये नहीं कहता आशीर्वाद मुझे कितना मिलेगा, मैं तो जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहा हूँ। पामगढ़ की जनता मेरे हर दिन की लड़ाई से वाकिफ है, मैं राजधानी तक लड़ा, दिल्ली तक लड़ा और अब मैं जनता के दरबार में जा रहा हूँ। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ जनता मुझे आशीर्वाद देगी, अपना सेवक बनाएगी। तो ये थे भूरेलाल जी। अमित जी आप उनको अपने साथ खड़ा कर रहे हैं जिनको पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया और अपने पत्ते अब आप खोल रहे हैं, तो आप इसी का इंतजार कर रहे थे कि पार्टी जिन्हें नकारे उन्हें अमित स्वीकारे? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। दो ऐसे प्रकरण हैं, आदरणीय किस्मत लाल सरायपाली आदरणीय बर्मन जी जो पामगढ़ में हमारे प्रत्याशी हैं, अगर ये दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से नहीं जीतते, इन राष्ट्रीय दलों की जमानत जब्त करा के नहीं जीतते, तो अमित जो अपना जो राजनीतिक जीवन है दांव पे लगा रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा राजनीति, इतना मुझको विश्वास है। क्योंकि ये दो ऐसे प्रत्याशी हैं, हम लोगों ने तमाम सर्वे कराए,
हम चाहते थे कि भाई जन भावना क्या है वो पता चले। मैंने खुद लगातार 55 दिनों हर जगह जाके लोगों से मैं मिला हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मिलन हुए हैं, अपार प्यार मुझको मिला है। वहाँ पर ये जो दो क्षेत्र हैं, यहाँ आपने इनसे भी सवाल किया, मुझसे भी कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्य कांग्रेस की लोकप्रियता से अधिक है गोरेलाल बर्मन जी की लोकप्रियता, कांग्रेस के परंपरागत वोटों से ज्यादा अधिक वोट इनके लिए। तो ये तो मतलब अंग्रेजी में कहावत है, नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। भाई कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो क्या आप उसको मना करोगे? अब उन लोगों ने पता नहीं कैसे क्या फैसले लिए, और जब तक दिल्ली में बैठे इस तरह के फैसले होंगे हमारे साथ इसी तरह का अपमान होता रहेगा। ये मुझे इतना आनंद हो रहा है, जब भी कोई पार्टी की लिस्ट आती दिल्ली से आ रही है, कोई उनके वो जनरल सेक्रेटरी इसने उसने रिलीज कर दी, पर हमारी जो लिस्ट है यहाँ पे दिल्ली वाला दिख रहा है क्या? सारे जो फैसले हो रहे हैं जोगी जी की पार्टी में वो छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का आला कमान दिल्ली में नहीं बैठा है, हमारी आला कमान छत्तीसगढ़ की जनता है, और जनता जिसको पसंद कर रही है उसको हम मौका दे रहे हैं। प्रमोद जी ने कल आपकी पार्टी छोड़ कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है, तो एक मुनाफा हुआ तो एक नफा तुला नुकसान भी देखने को मिल रहा है, आप नाक सिकोड़ रहे हैं, मतलब आप खुश हैं? जी मैंने तो भाई जो करना था मेरे लिए ये गर्व की बात है कि क्या प्रमोद जी का कांग्रेस ज्वाइन करना? नहीं नहीं, मेरी गर्व के लिए ये बात है कि जब श्री उद्धव ठाकरे जी वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार नहीं बचा पाए, अपनी 56 साल पुरानी पार्टी नहीं बचा पाए, पवार साहब के साथ भी यही हुआ, कमलनाथ जी यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे वो भी दोनों पार्टियों के ऊपर चला, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन पंजा, ना जाने क्या क्या हमारे ऊपर भी चला, लेकिन आज सही समय पे हमने सही निर्णय लिए और आज हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के एकमात्र ये राष्ट्रीय पार्टियों के विकल्प के रूप में उभर चुकी है। और अभी तो जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। और ये जो चुनाव है, बड़े शॉर्ट में मैं आपके आपके माध्यम से आपके आदरणीय दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड कप, हम लोग सब जितना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में लेते हैं उतना ही क्रिकेट में भी, तो ये एक तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, और उसमें कांग्रेस जो है बैटिंग कर रही है, बीजेपी बॉलिंग कर रही है, लेकिन ऑलराउंडर तो केवल हम ही हैं, और बिना ऑलराउंडर के कोई मैच नहीं जीता। आपने बोला अभी पार्टी शुरू हुई है, और आपने गिनवाया भी ऑपरेशन लोटस की आपने बात की, जनता जोगी कांग्रेस कौन सा ऑपरेशन चलाएगी? हमारा तो केवल एक ही ऑपरेशन है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज बनाना। इसके अलावा क्या, यही हमारा जो हमारी आइडियोलॉजी है, छत्तीसगढ़ प्रथम, छत्तीसगढ़ के सारे फैसले छत्तीसगढ़ की धरती में हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के हक में हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा किए जाए, इस मकसद से मेरे पिताजी ने ये पार्टी का गठन किया था, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम उनके जो सपना है वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह साकार हो जाए। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं तो 90 जगह चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मतलब हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह लड़ रहा हूँ, और मुझे तो इस चुनाव में लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस तो कोई लड़ ही नहीं रहे। आज अकेला मैं बीजेपी से भी लड़ रहा हूँ, कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, और कितना लड़ूंगा। माहौल क्या पा रहे हैं जब आप जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो मैं कोई छुप के तो कहीं जाता नहीं हूँ, सार्वजनिक रूप से जाता हूँ, जो प्यार लोग मेरे पिताजी को देते थे उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, मुझे इस बात का गर्व है, संतोष है कि वही प्यार वो अपने बेटे को दे रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली के नेता वाली सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटों की सरकार बनेगी। तो अमित जी बोल रहे हैं कि इस बार दिल्ली के नेता वाली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बेटे वाली सरकार बनेगी, देखना ये होगा कि जनता जोगी कांग्रेस अपना करिश्मा क्या छत्तीसगढ़ में दिखा पाती है, और 90 विधानसभाओं में कितनी सीटें इस बार जनता जोगी कांग्रेस लेकर आती है अपने खाते में। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।